पड़े आदि, एकदम यूजलेस है। एंड आई थिंक इट्स ऑल ओवर, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा है मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि आदि के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। जब से आई हूँ जस्ट इग्नोरिंग मी। और ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है उसकी, ऐसा भी कौन सा सीक्रेट जो मुझसे नहीं शेयर कर सकता? आप इस फियांसे, वो मुझसे नहीं शेयर करेगा तो और किससे शेयर करेगा? आई थिंक इट्स ऑल ओवर। मेरा फोन भी बंद है अम्मा का। इतने सारे मैसेजेस, वो भी आदि के। अब मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं? मैसेजेस डिलीट करने वाली हूँ, नॉट गोना रीड देम। ये क्या है? सॉरी नोट। व्हाट इज गोइंग ऑन? आदि, व्हाट? आदि, आदि, यू स्कैर्ड मी। लिसन, ये तुम्हारे ये स्टूपिड टैक्टिक्स, इससे मैं इंप्रेस नहीं होने वाली, अंडरस्टैंड? लिसन, मैं जब से आई हूँ ना, तब से एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं बैंकॉक से इंडिया से तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लिसन, मैं बैंकॉक वापस जा रही हूँ, मैं इंडिया कभी नहीं आऊंगी, और तुम मुझे कॉल मत करना, ना ही मुझे मैसेज करना, जस्ट गेट लॉस्ट। एक मिनट डालिए मेरी पर... ये क्या है? सॉरी आदि, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आलिया, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। लिसन, मुझे आदि कुछ नहीं सुना, मुझे जाने दो। आलिया, एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। आलिया, मैं और रूही एक मिशन पे, इसमें और पापा की शादी बचाना चाहते हैं। बोल रहे हो आप कि क्या हालत हो रही होगी? रमन, आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात को? उसके पास जाती मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम जाती उसके पास। तो आप चले जाते रमन उसके पास, आप क्यों नहीं गए? शगुन को यकीन होने लगा हमारे ड्रामे पे, तो वो बिलीव करने लगी कि हम सच में डिवोर्स कर रहे हैं। और एक तरह से रूही के वहाँ आने से ये कंफर्मेशन मिल चुका है उसे कि हम वाकई डिवोर्स कर रहे हैं। एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन गेट पीयू बैक। चांस है हमारे पास। वो हमें क्यों देगी पीयू की कस्टडी? हमें क्यों यार? हमें चांस है पीयू को वापस पाने का, बस उसे भरोसा हो जाए। क्योंकि एक साल से देख रहा हूँ मैं उसे, यहाँ नहीं बैंकॉक में भी। The fact is, वो मनी से बोर हो चुकी है and she needs some excitement in her life. हाँ यार, I'm sure वो अपने हस्बैंड से बोर ही हो गई है, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा था डेट के लिए, झट से मान गई। मैंने सुना उसका हस्बैंड यहाँ है भी नहीं है, एडिलेड से बाहर गया बिजनेस पर। मेरे साथ भी उसने यही किया था, उसे सीधे लोग रास्ते नहीं आते ना, उसे टेढ़े कमीने पसंद आते हैं अशोक जैसे। She likes people with these casino images and money. Idiots by brain. Oh hello. Sorry, मैं तेरी बात नहीं कर रहा। I mean, you understand, right? I mean, it's okay. I know, यार, you're hurting. पर यार सच्चाई ये है कि हम लोग सीरियस थोड़ी ना है, ना ही वो सीरियस है। We just flirting around, having some fun. लेकिन अभी हम करें क्या? आपके पास कुछ आइडिया है? हाँ, प्लान है। क्या? शगुन को उसी के खेल में हराने का प्लान। यार उसे लगता है वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, राइट? तो अगर उसे ऐसा लगे कि वो तुझे भी अपना दीवाना बना सकती है, एंड देन शी हैज नो रीजन टू कीप यू विद हर, मतलब अगर तू उसे यकीन दिलाए कि तुम दोनों वाकई सीरियस हो सकते हो, एक फ्यूचर है तुम्हारा, लेकिन उस फ्यूचर में अगर पीयू के लिए कोई जगह नहीं है तो वो पीयू की कस्टडी और किसे देगी? शी हैज नो अदर ऑप्शन। वो एक सेकंड, तुम लोग मुझे बकरा बनाओगे, राइट? अरे नहीं, तुमने भी तो कहा था ना कि उसने तुमसे कहा था कि पीयू उसकी फ्रेंड की बेटी है। अगर वो तुम में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती तो ऐसी बात क्यों करती? शी इज इंटरेस्टेड इन यू फॉर श्योर। सुन, पीयू उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी है, अ सिंबल ऑफ हर विन अगेंस्ट मी, दैट्स इट। उसे कोई लगाव, कोई अटैचमेंट नहीं है पीयू के साथ। अगर उसे कल के दिन कोई पैसे वाले इंसान या पीहू के बीच में से चुनना पड़ा तो वो डेफिनेटली पैसे वाले इंसान को चुनेगी। रमन, सच्चाई तो ये है कि
मैं तो उसे सालों के बाद मिला हूँ और दोनों बस वी जस्ट हैविंग सम फन यार, मैं सीरियस थोड़ी ना होने वाला था। पर तू उसे डेट करता था ना, यू वर इंटरेस्टेड राइट? हाँ बट नॉट सीरियसली यार, हम तो मस्ती कर रहे थे। उसे सिर्फ यकीन दिलाना है कि तुझे से हो सकता है यार, कम ऑन इतना कर ले यार मेरे लिए। पर तुम्हें असलियत में थोड़ी ना करना है, बस हमारे लिए ये एक छोटा सा खेल खेलना है। प्लीज यार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। विद्युत प्लीज, रमन के लिए नहीं किसी और के लिए नहीं, तो कम से कम एक माँ की फीलिंग तो तुम समझ सकते हो ना। ओह देखा तूने, माता इशिता इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। नहीं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन ओके 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 लुक, मैं इतना जानता हूँ कि तुम लोग अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। आई हेल्प यू ओके। खुश? थैंक गॉड। या यस, लेकिन अब कैसे क्या बोलूं मैं उसे? उसे कॉल करो ना, डेट पे बुलाओ। मैसेज मैसेज। देख मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जाना है ओवल, उसके बाद मैं उसे विनियर्ड्स पे बुलाता हूं एक रोमांटिक डेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट वाइन बनता है वहां पे। वाओ, तो सालों बाद उसे मिला है। यू नो शगुन बेटर देन मी, शगुन एंड वाइन इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन यार। मैसेज करूं या नहीं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कर दे मैसेज। ठीक से बात करूं। ओके आई शगुन, मैं तुम्हें परोसा वैली लेकर जाता हूँ ओके, फॉर अ रोमांटिक डेट। लव विद्युत ओके। मुझे पूरा यकीन है कि अब मुझे मेरी बेहू वापस मिल जाएगी।